हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एग्रीकल्चर स्टैटिक मॉड्यूल सीरीज़ का पार्ट थर्ड लेके। इससे पहले हम स्टैटिक सीरीज़ में एनिमल सेंसेस यानी लाइव स्टॉक सेंसेस और एग्रीकल्चर सेंसेस कवर कर चुके हैं। ये पार्ट थर्ड है आपका, जो एग्रीकल्चर स्टैटिक मॉड्यूल और नाबार्ड सीरीज़ दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए, आज एनिमल हस्बेंड्री का लेक्चर है, तो दो मिस्टेक्स मुझसे हो सकती हैं, आप उसको इग्नोर करिएगा। एक तो प्रोनंसिएशन गलत हो सकता है मुझसे, दूसरी बात स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं, तो वो दो बातें आप इग्नोर करिएगा। और अगर कोई फैक्ट मैं मिस्टेक करता हूँ तो एक बार आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर सकूँ और लोगों को हेल्प मिल सके। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज एनिमल हस्बेंड्री सीरीज़ का। तो एनिमल हस्बेंड्री सीरीज़ आप लोग जानते हैं, एनिमल हस्बेंड्री जो होती है साइंस की, वो जो है शाखा होती है जिसमें जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं या उनके ब्रीड जिनको आप नस्लें कहते हैं, और उनके सारे प्रोडक्ट्स के मैनेजमेंट का हम अध्ययन करते हैं। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उनके ब्रीड और उनके प्रोडक्ट्स के मैनेजमेंट का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो शाखा कहलाती है हमारी एनिमल हस्बेंड्री। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैप्रा हिरकस किस एनिमल का साइंटिफिक नेम है? तो आपको बताना है कैप्रा हिरकस किस एनिमल का साइंटिफिक नेम है। गोट का साइंटिफिक नेम है कैप्रा हिरकस, आप यहाँ देख सकते हैं गोट और ये कैप्रा हिरकस, यहाँ से आप सभी का देख सकते हैं। चिकन का साइंटिफिक नेम ये आपका गैलस गैलस है, चिकन का गैलस डोमेस्टिकस भी कहते हैं उसको, तो आप नोट कर लीजिएगा गैलस डोमेस्टिकस। अगर बात करें डेरी कैटल की, तो डेरी कैटल की है आपकी बॉस टॉरस। बॉस टॉरस मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ की होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। हमारे इंडिया में जो कैटल की फॉर्म होती है उनके लिए बॉस इंडिकस यूज़ किया जाता है, तो आप बॉस इंडिकस ही लिखिएगा, आप याद रखिएगा। उसके अलावा जो आपका स्वाइन होता है या पिग होता है जिसको हम कहते हैं, उसकी होता है आपका सुस स्क्रोफा होता है, और हॉर्स का होता है आपका इक्विस कैबलस। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आप सीप का भी देख सकते हैं, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और ये सीरीज़ भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ कैटल्स का लाइफ स्पैन भी बता देता हूँ कि कितने वर्ष तक वो जीते हैं। देखिए, मैंने आपको डेरी कैटल का बॉस इंडिकस होता है, गोट का कैप्रा हिरकस होता है, स्वाइन यानी पिक का सुस स्क्रोफा होता है, हॉर्स का इक्विस कैबलस होता है साइंटिफिक नेम। इसके अलावा चिकन रह गया, आप वो भी नोट कर लीजिए, उसको कहते हैं गैलस डोमेस्टिकस, तो आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं आपका इनके लाइफ स्पैन की। चिकन का लाइफ स्पैन 5 to 10 years होता है, कई जगह पे 30 years भी बता रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक पता चला है 5 to 10 years ही होता है, आप याद रखिएगा। जो डेयरी कैटल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन 30 years रहता है, जो आपकी गोट होती है उसका लाइफ स्पैन 18 years रहता है, जो आपका स्वाइन यानी पिग होता है उसका लाइफ स्पैन 27 years रहता है, और हॉर्स का लाइफ स्पैन आपका 30 years रहता है। तो लाइफ स्पैन और साइंटिफिक नेम जो मेन लाइव स्टॉक हैं उनके हमें पता चल गए, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किडिंग आपको बताना है किस एनिमल का पार्चुरेशन पीरियड है। पार्चुरेशन मतलब प्रसव की प्रक्रिया, आप कहते हैं ना जैसे ह्यूमन बींग्स में कहते हैं डिलीवरी हो रही है, वैसे जो एनिमल्स होते हैं उनमें प्रसव की प्रक्रिया को कहते हैं पार्चुरेशन, तो आप याद रखिएगा। आपको बताना है किडिंग किस एनिमल या लाइव स्टॉक की पार्चुरेशन प्रक्रिया है, तो किडिंग है आपके गोट की पार्चुरेशन प्रक्रिया। आप यहाँ से एनिमल देख सकते हैं, उनके मेल कैंडिडेट को क्या कहते हैं, फीमेल कैंडिडेट को कहते हैं, और उनके बछड़े को यानी जो बेबी होता है उसको क्या कहते हैं। कुछ के मैं बोल दे रहा हूँ और बाकी जो बच्चे आप यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे आपका कैटल होता है तो मेल को कहते हैं बुल, फीमेल को क्या कहते हैं काऊ, जो उनका चाइल्ड होता है उसको कहते हैं काल्फ, मेल चाइल्ड को कहते हैं काल्फ और फीमेल चाइल्ड को कहते हैं हीफर, जो उनकी पार्चुरेशन क्रिया होती है उसको कहते हैं काल्विंग। ये हो गया आपका कैटल का। सेकेंड बात करते हैं चिकन की, चिकन जो मेल कैंडिडेट होता है उसको कहते हैं रोस्टर या कॉक, जो आपका फीमेल कैंडिडेट होता है चिकन में उसको कहते हैं हेन या पुलेल, आप हेन याद रखिएगा। जो चाइल्ड होता है चिकन का उसको कहते हैं चिक, और जो उनकी प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं आपकी हैचिंग, आप इतना याद रखिएगा। कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि एग से हैचिंग की प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है, देखिए अगर सब कुछ सही रहा तो 21 डेज लगता है आपका एग से हैचिंग की क्रिया तक, और हैचिंग के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, तो आप याद रखिएगा एग से हैचिंग की क्रिया तक 21 डेज लगता है। अब आगे देखते हैं, जो आपका गोट होता है उसके जो मेल कैंडिडेट होता है उसको कहते हैं बिल या बक, बिल या बक कहते हैं मेल कैंडिडेट को, और जो आपका फीमेल होता है उसको कहते हैं डो या नैनी, उसके बच्चे को किड कहते हैं, और इनकी जो पार्चुरेशन प्रक्रिया होती है वो किडिंग होती है, जस्ट किडिंग, आप समझ सकते हैं, मैंने भी क्वेश्चन में पूछा है। उसके अलावा हॉर्स होता है, उसका जो मेल होता है उसको स्टड या स्टैलियन कहते हैं, जो फीमेल होती है उसको कहते हैं मेयर या फिली, और जिनका बेबी होता है उसको कहते हैं फोल, और उनकी जो पार्चुरेशन प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं फोलिंग, आप याद रखिएगा फोलिंग। आप यहाँ से देख सकते हैं ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए। जो सीप होता है उसके जो मेल कैंडिडेट को बक या रैम कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं,
और जो फीमेल कैंडिडेट होती है उसको डैम या ईव कहते हैं, और जो उनका बच्चा होता है उसको लैम्ब कहते हैं, और उनके पार्चुरेशन यानी प्रसव की प्रक्रिया को कहते हैं लैम्बनिंग। उसके बाद हमारा एक लास्ट बचता है स्वाइन पिग, जो इंपॉर्टेंट है, उसके मेल कैंडिडेट को कहते हैं बोर, तो आप याद रखिएगा। और जो उसकी फीमेल कैंडिडेट होती है उसको कहते हैं शॉ या गिल्ट, आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो उनका बेबी होता है उसको कहते हैं पिगलेट, या कहीं कहीं शॉर्ट भी कहते हैं, आप पिगलेट याद रखिएगा। और जो उनकी प्रसव प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं फैरोइंग, आप इतना याद रखिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और मैंने वर्बली बता दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, आपको बताना है काऊ का जेस्टेशनल पीरियड कितना होता है, यानी गर्भधारण काल आपको बताना है काऊ का। तो 283 डेज होता है काऊ का गर्भधारण काल, आप यहाँ से देख सकते हैं, प्लस माइनस वन इतना चलता है। एग्जाम में हमेशा आपको 10 से 12 दिनों का अंतर देंगे, तो वहाँ आप आसानी से गेस कर सकते हैं। कुछ समय मैं आपको बता देता हूँ, जेस्टेशन पीरियड बता देता हूँ, और हीट साइकिल यानी सहवास चक्र बता देता हूँ। मैं बता दूं आपको, सहवास उस पीरियड को कहते हैं जब वो सेक्सुअली एक्टिव रहे, यानी सहवास करने के लिए एग्री रहे, उसको कहते हैं आपका हीटिंग साइकिल। देखिए, और हीट पीरियड क्या होता है, जितने टाइम तक वो सहवास के लिए सक्रिय रहती हैं। हीट साइकिल आपका कुछ दिनों पर रिपीट होता है, जैसे आज वो सहवास के लिए सक्रिय है और आज आपने मिस कर दिया, तो कुछ दिन बाद वापस वो हीट साइकिल यानी सहवास चक्र वापस रिपीट होगा। तो मैं हीट साइकिल और आपको जेस्टेशन पीरियड दोनों बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे बुफैलो का जेस्टेशन पीरियड है 310 डेज, और इसका हीट साइकिल कितना है, 17 to 24 डेज। काऊ का हीट साइकिल मैं आपको बता देता हूँ, आपको जेस्टेशन पीरियड 283 डेज बता चुका हूँ, काऊ का हीट साइकिल है 21 डेज। कैमल का जो जेस्टेशन पीरियड है 410 डेज है, और हीट साइकिल है 21 डेज। जो आपका स्वाइन या पिग होता है उसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 114 डेज होता है, और हीट साइकिल होता है स्वाइन का आपका 21 डेज। गोट का जेस्टेशन पीरियड 152 डेज होता है, और हीट साइकिल 19 डेज होता है। इसी तरह से सीप का जेस्टेशन पीरियड आपका 148 डेज होता है, जबकि हीट साइकिल 17 डेज होता है। और एट लास्ट हॉर्स की बात कर लेते हैं, आपका जेस्टेशन पीरियड इसका गर्भधारण काल 336 डेज होता है, और आपका हीट साइकिल 21 डेज होता है। मोस्टली हीट साइकिल 21 डेज ही है सभी का, सिर्फ आप सीप, गोट और बुफेलो निकाल दें तो, और एवरेज अगर बुफेलो का भी लें तो उसका भी 21 डेज होता है। सिर्फ सीप और गोट का ही जो है 19 और 17 के आसपास आता है, जो मैंने लिखवाया है, बाकी सबका 21 डेज का ही हीट साइकिल होता है। जेस्टेशन पीरियड मैंने आपको बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा। और ये देखिए जो मैंने आपको बताया था पार्चुरेशन प्रक्रिया, यहाँ पे सभी की लिखी है, अगर आपने नहीं देखी थी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हीट साइकिल भी लिखा है सभी का, आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये जेस्टेशन पीरियड भी दिखा है, आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, आपको बताना है कि किस एनिमल का या लाइव स्टॉक का बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। तो मैं बता दूँ आपको, जो चिकन होता है उसका बॉडी टेम्परेचर इनमें से मैक्सिमम है, तो आप याद रखिएगा। सॉरी, इसमें से मैं, क्योंकि ये बिलो ऑप्शन जो है चिकन नहीं दिया है इनमें से, तो इनमें से देखते हैं कि किसका बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। तो इनमें से आपका सीप या गोट का बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम है, आप याद रखिएगा। मैं बता दूं, जो आपका काऊ है उसका बॉडी टेम्परेचर काऊ और बफेलो का 101 to 102 डिग्री फारेनहाइट रहता है, ठीक है। सीप का जबकि कितना रहता है, 102 to 105 डिग्री फारेनहाइट। पिग यानी स्वाइन का रहता है आपका 102 to 103 डिग्री फारेनहाइट। और जो सबसे ज़्यादा चिकन का होता है, जिसका मैं स्टार्टिंग में बोल गया था, हालांकि वो ऑप्शन में दिया है इसलिए मुझे वो बताना पड़ा आंसर जो करेक्ट था। चिकन का जो आपका बॉडी टेम्परेचर रहता है वो 105 to 107 डिग्री फारेनहाइट रहता है, और हॉर्स का 99.5 से लेके 101 डिग्री फारेनहाइट रहता है। तो मैंने डिग्री फारेनहाइट में बता दिया, अब डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो डिग्री फारेनहाइट की वैल्यू दी हो उसमें -32 करते हैं ×5/9, तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। तो जिसका भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। डिग्री फॉरेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, -32 कर दीजिए जितना आया उसको, ×5/9 कर दीजिए, डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। तो सभी का बॉडी टेम्परेचर मैंने बता दिया है, आप याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको, जो चिकन का बॉडी टेम्परेचर होता है, मैंने बताया हाईएस्ट होता है एमंग द ऑल लाइव स्टॉक 105 to 107 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आता है, आप याद रखिएगा। मैं एक बात आपको बता दूं, चिकन से नाम याद आ रहा है तो मैं बता दूं, रिसेंटली जो आपका कड़कनाथ चिकन है, एमपी के झाबुआ रीजन में पाया जाता है कड़कनाथ चिकन, इसको काली मासी चिकन भी कहते हैं। ये अपने लो कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देखिए, जो चिकन होता है मोस्टली उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन जो कड़कनाथ चिकन है वो अपने लो कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसीलिए इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है लास्ट टाइम एमपी के लिए मिला है, आप देखिएगा, एमपी के झाबुआ रीजन। हालांकि छत्तीसगढ़ ने भी अप्लाई किया था लेकिन उसको नहीं मिला है। तो कड़कनाथ चिकन जिसको काली मासी कहते हैं, पूरी तरह से काला मुर्गा होता है ये, आप याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम पूरी तरह से काला होता है, चोंच से लेकर सब कुछ। इसको जीआई टैग दिया गया है, ये चिकन की वैरायटी है। और बॉडी हीट टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, और फॉरन हाइट से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको ये बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, फॉलोइंग कैटल ब्रीड में से हाईएस्ट मिल्क यील्ड कैपेसिटी किसकी होती है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी कैटल्स हैं उनमें साहीवाल की हाईएस्ट मिल्क यील्ड कैपेसिटी होती है। मैं आपको बता दूँ, देखिए जो कैटल्स ब्रीड होते हैं मोस्टली थ्री टाइप्स होते हैं, एक आपका इंडिजिनस ब्रीड होता है, दूसरा आपका ड्यूल पर्पज़ ब्रीड होता है और तीसरा आपका ड्रॉट पर्पज़ ब्रीड होता है। तो ये मोस्टली थ्री टाइप होते हैं, बाद में एक्जॉटिक ब्रीड तो एक्जॉटिक कैपिटल तो होते ही है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं आपके इंडिजिनस ब्रीड की, तो जो आपका गिर है ये डेरी इंडिजिनस डेरी कैटल है, रेड सिंधी ये भी आपका इंडिजिनस डेरी कैटल है, दूसरा आपका तीसरा है आपका साहिवाल ये भी आपका इंडिजिनस डेरी कैटल है, गिर आपका गिर फॉरेस्ट रीजन गुजरात में पाया जाता है, रेड सिंधी सिंध बलूचिस्तान रीजन पाकिस्तान गुजरात के आसपास पाया जाता है, और जो आपका साहिवाल है जिसको लोला या मुल्तानी भी कहते हैं जेबू ब्रीड से आता है, ये जेबू ब्रीड से मोंटगोमरी पाकिस्तान पाया जाता है, और ये तीनों जो है हमारे इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाने वाली ब्रीड्स हैं, तो मोस्टली इनका यूज़ डेयरी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है यानी मिल्क प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। जो आपकी ये डी है यानी थारपारकर, ये जो है आपकी ड्यूल पर्पज़ ब्रीड है, यानी आप इनका मिल्क के लिए भी यूज़ करते हैं और मीट के लिए भी, मांस के लिए भी। तो जो ड्यूल पर्पज़ ब्रीड होती है उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, देखिए आप नोट कर लीजिएगा, कांकरेज आपकी ड्यूल पर्पज़ ब्रीड है, थारपारकर मैंने आपको बता दिया, थारपारकर आपकी ड्यूल पर्पज़ ब्रीड है जो सिंध वगैरह में पाई जाती है, कांकरेज आपकी कहाँ पाई जाती है, कच्छ गुजरात में पाई जाती है, मेवाती आपकी ड्यूल पर्पज़ ब्रीड है, मेवाड़ राजस्थान राजस्थान में पाई जाती है, राठी जिन्होंने दिया और बाती सीरियल देखा होगा उसमें संध्या राठी सूरत राठी आते हैं, तो राठी आपकी ड्यूल पर्पज़ ब्रीड है आपके राजस्थान में पाई जाती है, आप याद रखिएगा, अगोल ये आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली ड्यूल पर्पज़ ब्रीड है, आप याद रखिएगा, अंगोल हरियाणा करके एक कैटल ब्रीड है वो भी आपकी ड्यूल पर्पज़ ब्रीड है, आपने याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैं आपको बता दूँ, जो काउज होती हैं उनका लैक्टेशन पीरियड यानी मिल्क पीरियड अवधि क्या होती है, 300 डेज होती है, ये लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, बेबी को जन्म देने के बाद और प्रेगनेंसी तक जितना भी वो मिल्क देती हैं उतने दिनों को कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो काउस का आपका लैक्टेशन पीरियड 300 डेज होता है, और बता दूँ मिल्क यील्ड मैंने आपको बता दी मैक्सिमम साहीवाल की होती है, जितने भी कैटल्स वैरायटी हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिल्क आपका साहीवाल देता है। और आप एक बात और नोट कर लीजिएगा, जो आपका काऊ का मिल्क होता है उसमें आपका जो वाटर होता है वो 86.5% होता है काऊ के मिल्क में, जबकि फैट मात्र 4.7% होता है, तो आप याद रखिएगा। तो मैंने इंडिजिनस डेयरी कैटल ब्रीड और इंडिजिनस ड्यूल पर्पस ब्रीड की बात कर ली, डेयरी कैटल ब्रीड में तीन ही है, मैंने आपको बोल दिया है गिर रेड सिंधी साहिवाल, आप इनका ही नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्रैक हो जाएगा आपसे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि ड्यूल पर्पस ब्रीड कौन सी है इनमें से, तो मैंने देखिए अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है गिर आपकी नहीं है आपने देख लिया, अमृतमहल मैंने आपको नहीं बताया तो ये भी ड्यूल पर्पस ब्रीड नहीं होगी, मैंने आपको क्या बताया था मेवाती बताया था यानी ये आपकी ड्यूल पर्पस ब्रीड होगी आप याद रखिएगा, और मालवी आपकी ड्यूल पर्पस ब्रीड नहीं है, तो इनमें से सिर्फ मेवाती आपकी ड्यूल पर्पस ब्रीड है आप याद रखिएगा। तो ड्यूल पर्पस ब्रीड कौन सी है, मेवाती है, मैंने आपको बता दिया कांकरेज नहीं है, अभी मेरे अर्णव गोस्वामी की हालत ख़राब है मेरी भी हालत ख़राब हो जाएगी, कांकरेज जो कच्छ गुजरात में है वो आपकी ड्यूल पर्पस है, थारपारकर सिंध वो भी ड्यूल पर्पस है, मेवाती जो यहाँ ऑप्शन में दिया है राजस्थान में पाई जाती है ड्यूल पर्पस है, राठी संध्या राठी सूरज राठी ये भी राजस्थान में पाई जाती है ड्यूल पर्पस कैटल ब्रीड है, अंगोला आंध्र प्रदेश में पाई जाती है ड्यूल पर्पस कैटल ब्रीड है, और हरियाणा हरियाणा में पाई जाती है ड्यूल पर्पस कैटल ब्रीड है आप याद रखिएगा, अमृत महल ड्यूल पर्पस कैटल ब्रीड नहीं है। अब ये क्या है तो ये हम बात कर लेते हैं, देखिए एक्जॉटिक ब्रीड से जाने से पहले जो इंडिया की तीसरी ब्रीड वैरायटी बची है उसको हम देख लेते हैं, तो मैंने आपको डेयरी ब्रीड बताई थी कैटल्स की, और दूसरी आपकी ड्रॉथ पर्पस यानी जो सॉरी ड्यूल पर्पस बताई थी मैंने दूसरी आपकी यानी मांस और मीट के लिए, तीसरी आपकी ड्रॉट पर्पस जो सूखे में यूज़ कर लेते हैं यानी खेतों में ट्रैक्टर की जो यूज़ करते हैं ना आप लोग जानवरों का उस पर्पस के लिए और मिल्क के लिए यूज़ की जाती है मोस्टली। देखिए जो आपकी हलीकर है साउथ इंडिया में पाई जाती है मोस्टली नीलगिरी रीजन में, वो आपकी ड्रॉट पर्पस ब्रीड है कैटल की ब्रीड है हलीकर ड्रॉट पर्पस कैटल ब्रीड है, नागौरी जो नागौर राजस्थान में पाई जाती है जहाँ से आपका पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो भी आपकी ड्रॉट पर्पस ब्रीड है, तो आप ध्यान रखें ड्रॉट पर्पस ब्रीड है नागौरी, कांग्याम एक आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है वो भी आपकी ड्रॉट पर्पस ब्रीड है, मालवी एमपी में मालवा रीजन में पाई जाती है वो भी आपकी ड्रॉट पर्पस ब्रीड है कैटल की, देवनी मराठवाड़ा कर्नाटक रीजन में पाई जाती है, मराठवाड़ा महाराष्ट्र कर्नाटक रीजन में पाई जाती है देवनी वो भी आपकी ड्रॉट पर्पस ब्रीड है आप याद रखिएगा, अमृत महल कर्नाटक और मैसूर में पाई जाती है ये भी आपकी ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। तो हमने जो इंडिजीनियस कैटल की तीन वैरायटी थी डेयरी कैटल ड्यूल पर्पस कैटल ब्रीड और थर्ड आपका ड्रॉट पर्पस कैटल ब्रीड ये तीनों हमने एनालिसिस कर लिया है पढ़ लिया है, प्लीज़ आप एक दो बार लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा आपको मेमोराइज हो जाएगा आसानी से कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम देखते हैं एक्जॉटिक ब्रीड, एक्जॉटिक यानी विदेशी नस्लें, और जो आपका नेशनल कामधेनु मिशन लॉन्च हुआ था सॉरी गोकुल मिशन लॉन्च हुआ था उसमें 21 गोकुल ग्राम बनाने की बात की गई थी और कहा गया था कि इंडिजिनस ब्रीड की
डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। हालांकि जो आपका लेटेस्ट एनिमल सेंसेस था, लाइव स्टॉक सेंसेस था, उसमें क्या निकल के आया था, जहाँ इंडिजिनस ब्रीड हमारी लगभग 1% के आसपास ही बढ़ी हैं, वहीं आपकी एक्जॉटिक ब्रीड बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तो आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक्जॉटिक ब्रीड की। क्वेश्चन पूछा है, इनमें से एक्जॉटिक ब्रीड नहीं है, आपको बताना है कौन सी एक्जॉटिक ब्रीड नहीं है। तो आपकी हॉलस्टीन एक्जॉटिक ब्रीड है, हॉलस्टीन फ्रीजियन ये आपकी नीदरलैंड में पाई जाती है। दूसरा आपका आयरशायर, ये आपकी स्कॉटलैंड में पाई जाती है, ये भी आपकी एक्जॉटिक ब्रीड है। तीसरी आपकी ब्राउन स्विस, ये आपकी स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, ये भी आपकी एक्जॉटिक ब्रीड है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ड्रॉट पर्पज़ के लिए इंडिजिनस ब्रीड कौन सी है, हेलिकर, ये आपकी इंडिजिनस ब्रीड है, आप याद रखिएगा। और ड्रॉट पर्पज़ यानी सूखे जो रीज़न होते हैं वहाँ पर कार्य करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप याद रखिएगा ड्रॉट पर्पज़ ब्रीड है आपकी हेलिकर। बाकी हॉलस्टीन, आयरशायर, ब्राउन स्विस और एक और आपकी जर्सी जो ब्रिटेन में पाई जाती है, ब्रिटिश ब्रीड होती है, वो आपकी एक्जॉटिक कैटल ब्रीड है। तो आप तीनों का याद रखिएगा। इन सब के अलावा हम कैटल की दो क्रॉस ब्रीड वैरायटी की बात कर लेते हैं। तो पहली है आपकी करन स्विस। करन स्विस आपकी पहली क्रॉस ब्रीड कैटल वैरायटी है जो आपके ब्राउन स्विस और साहीवाल को मिला के बनाई गई है। तो ब्राउन स्विस आपकी कहाँ पाई जाती है, स्विट्जरलैंड पाई जाती है, और साहीवाल को मिला के आपकी बनाई गई है करन स्विस। ये पहली आपकी क्रॉस ब्रीड कैटल वैरायटी है। दूसरी मैं बता दूं आपको, फ्राइस वॉल जो आपकी हॉलस्टीन फ्रीजियन है नीदरलैंड की, और साहीवाल को मिला के आपकी बनाई गई है फ्राइस वॉल कैटल ब्रीड वैरायटी। ये दो आपकी क्रॉस ब्रीड कैटल वैरायटी है, करन स्विस एंड फ्रीज वॉल, फ्राइस वॉल जिसको कहते हैं, आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिन्होंने ये क्रॉस ब्रीड वैरायटी बनाई है, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। NDRI इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत ये कार्य करती हैं, करनाल हरियाणा में स्थित है, आप याद रखिएगा। तो ये एक संस्था मैंने आपको बता दी। दूसरी एक संस्था और फेमस है, NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। ये जो है 1984 में आपका बेंगलुरु में स्थापित हुआ था, बाद में 1985 में करनाल स्थापित हो गया था, आप इतना याद रखिएगा। तो NBAGR और आपका NDRI दोनों करनाल में स्थित हैं, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, आपको बताना है भदावरी ये फेमस बुफेलो ब्रीड है, आपको बताना है मेनली किस स्टेट में पाई जाती है। जो आपकी भदावरी है वो मेनली आपकी उत्तर प्रदेश आगरा इटावा रीजन में पाई जाती है, आप याद रखिएगा। और ये अपने हाईएस्ट फैट के लिए फेमस है, इंडिया में जितनी भी बुफेलो की वैरायटी पाई जाती है उनमें हाईएस्ट फैट आपका भदावरी का होता है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ। जो मुर्रा है बहुत फेमस बुफेलो ब्रीड है, वो आपकी रोहतक करनाल यानी हरियाणा में पाई जाती है। एक टोडा करके आपकी बुफेलो ब्रीड है, वो नीलगिरी हिल्स यानी साउथ इंडिया में पाई जाती है। एक आपका जाफराबादी, आप लोगों ने सुना होगा जाफराबादी करके एक बुफेलो ब्रीड है, वो उसको मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी बुफेलो ब्रीड है उनमें वो हैवीएस्ट ब्रीड है आपकी जाफराबादी, वो काठियावाड़ गुजरात रीजन में पाई जाती है। उसके अलावा एक सुरती, जिसकी जो सिंघें होती हैं वो सिकल सेप होती हैं, सिकल सेप कैसी होती हैं यानी अर्धचंद्राकार ऐसी होती हैं, वो सुरती आपकी सूरत जो यानी आनंद और बड़ौदा क्षेत्र में पाई जाती है गुजरात में। एक महिशाना, जो हमारे इंडिया में जितनी भी बुफेलो ब्रीड यूज होती हैं उनमें मोस्टली एक ही क्रॉस ब्रीड है, उसको कहते हैं महिशाना। तो आप नोट कर लीजिएगा, इंडिया की बुफेलो ब्रीड में जो क्रॉस बुफेलो ब्रीड है उसको कहते हैं महिशाना, वो जो है आपकी बनी है सुरती और मुर्रा को मिला के। तो आप देखिएगा, मुर्रा हरियाणा से है, सुरती आनंद बड़ौदा यानी गुजरात से है, उसको मिला के महिशाना बनाई गई है, और महिशाना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका गुजरात में। ये इंडिया की एकमात्र अभी तक नोन जो सबसे फेमस है वो क्रॉस ब्रीड है आपकी महिशाना, आप देखिएगा जितनी भी मैंने बताई है उनमें से। उसके अलावा दो और फेमस आपकी बुफेलो ब्रीड हैं, नील रावी जो फिरोजपुर पंजाब में पाई जाती है, और एक और है पोलार्क मेडी, ये उड़ीसा में पाई जाती है, आप याद रखिएगा। अगर बुफेलोस की बात करें तो मैंने आपको जो काऊ थी उनका बताया था, वाटर उनके मिल्क में 86.5% पाया जाता है और फैट काऊ के मिल्क में 4.7% पाया जाता है। वहीं अगर बुफेलो की वाटर मतलब मिल्क की बात करें तो वाटर इनके मिल्क में 83.6% वाटर पाया जाता है बुफेलो के मिल्क में, वहीं फैट पाया जाता है 6.5%। तो आप देख रहे ना कितना फैट पाया जाता है। अब मैं बता दूं आपको, क्योंकि बुफेलो के मिल्क में फैट अधिक पाया जाता है, तो अगर फैट अधिक पाया जाता है तो इसका प्राइस अधिक होगा। तो प्राइस अधिक होगा तो जो फार्मर्स होते हैं वो किसको पालेंगे, जायज़ है कि बुफेलोस को ही पालेंगे। तो इंडिया में जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें 55% के आसपास बुफेलो से होता है, टोटल मिल्क प्रोडक्शन का 55% बुफेलो से होता है, आप याद रखिएगा। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में लोग गायों को बहुत तेज़ी से पाल रहे हैं। अगर बात करें कि हाईएस्ट इंक्रीज़ किसके मिल्क प्रोडक्शन में हुआ है तो काउस के, आप ये याद रखिएगा। होता तो लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बफेलो से होता है इंडिया में, क्योंकि इसकी प्राइसिंग ज़्यादा होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कैटल्स यानी काऊ जो होते हैं उनके मिल्क में सडनली इंक्रीज़ हुआ है, उनके मिल्क प्रोडक्शन में सडनली इंक्रीज़ हुआ है। सपोज़ करिए आपका जो बफेलोज हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो जो काउस हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है, यानी लोग अब बफेलोज की जगह काऊ लेना प्रेफर कर रहे हैं, आप इतना याद रखिएगा।
ये छोटा सा फैक्ट था तो मैंने आपको बता दिया, आप हो सके तो याद रखिएगा, फैट की वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो मिल्क होता है उनमें कभी आपसे पूछ सकते हैं कि मोस्टली किस विटामिन की कमी रहती है, तो मिल्क में विटामिन सी की कमी रहती है और आयरन की कमी रहती है। ये दो जो है एलिमेंट मिल्क में नहीं पाए जाते हैं या फिर नगण्य पाए जाते हैं, क्योंकि विटामिन सी से दूध फट जाता है, आप सभी को पता है। और अधिकता किसकी रहती है, तो कैल्शियम और विटामिन ए की अधिकता रहती है मिल्क में, आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो कैटल्स का मीट होता है उसको बीफ कहते हैं, आप इतना याद रखिएगा। जैसे पोल्ट्री के मीट को क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं, वैसे कैटल्स के मीट को बीफ कहते हैं, आप इतना याद रखिएगा। मैं जान रहा हूँ बोरिंग लेक्चर है, लेकिन एक दो बार करेंगे तो वाकई में मज़ा आएगा और सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरीनो, ये एग्जॉटिक ब्रीड है सीप की, आपको पता है किस कंट्री से बिलोंग करती है। जो मरीनो है ये अपने हाईएस्ट वूल यानी ऊन प्रोडक्शन के लिए फेमस है, 3.5 kg वूल देती है एक वर्ष में। ये जो है स्पेन की ब्रीड है, एग्जॉटिक ब्रीड है सीप की। तो मरीनो और लिंकन, लिंकन आपकी इंग्लैंड की सीप की ब्रीड है और मरीनो आपकी स्पेन की सीप की ब्रीड है, आप याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको, अभी मैंने आपको फैट और वाटर बताया मिल्क में, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि हाईएस्ट फैट किसके मिल्क में पाया जाता है और उसमें आपको ऑप्शन में सीप भी दिया हो, तो आप याद रखिएगा हाईएस्ट फैट सीप के मिल्क में पाया जाता है 8.6%, वहीं वाटर पाया जाता है आपका 79.4%। तो हाईएस्ट फैट आपका सीप के मिल्क में पाया जाता है। तो एग्जॉटिक ब्रीड की मैंने बात कर ली आपको, एक आपकी मरीनो बात कर ली जो स्पेन से पाई जाती है, दूसरी आपकी लिंकन बात कर ली जो इंग्लैंड से पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं इंडिजिनस ब्रीड की। देखिए बीकानेरी सीप हमारे बीकानेर राजस्थान में पाई जाती है, गुरेज कश्मीर में पाई जाती है, बकरवाल वो भी कश्मीर पाई जाती है, बकरवाल जो एक बच्ची थी उसका रेप हो गया था आपको याद होगा बकरवाल, तो वो भी आपके कश्मीर में पाई जाती है। चोकला इसका दूसरा नाम है शेखावती, और इसको इंडियन मरीनो कहते हैं अपने वून के लिए, आप याद रखिएगा। तो इंडियन मरीनो इसको कहते हैं, ये भी राजस्थान में पाई जाती है, तो चोकला को इंडियन मरीनो कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको मरीनो स्पेन की ब्रीड है सीप की, वैसे जो चोकला इंडिया की राजस्थान में पाई जाती है उसको इंडियन मरीनो कहते हैं, आप याद रखिएगा। मराठ वाली आपकी मराठवाड़ी, ये तो जोधपुर में ही पाई जाएगी यानी राजस्थान में पाई जाएगी, और दक्कनी महाराष्ट्र और तेलंगाना में पाई जाती है, आप याद रखिएगा। एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, रिसेंटली नॉर्वे में एक विंड पार्क बन रहा है जिसकी वजह से वहाँ के जो रेन डियर हैं उनका नाम ही यही है, रेन डियर RENDEER, ये क्या है, ये प्रभावित हो रहे हैं, हिरण की एक प्रजाति है लेकिन वून निकाला जाता है, वूलन निकाला जाता है इनसे। नॉर्वे के जो सामी लोग हैं, सामी ट्राइबल पीपल, उनके द्वारा इनको पाला जाता है, इन्वायरमेंट इश्यूज हो गए हैं विंड प्रोजेक्ट के कारण, इसीलिए चर्चा में थे रीन डियर नॉर्वे के। तो मैंने आपकी आपको बता दिया, भेड़ के साथ साथ इनको भी शामिल कर लिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्मीना गोट, रिसेंटली चर्चा में थी अपने बेस्ट क्वालिटी वूल के कारण, आपको बताना मेनली किस स्टेट या यूटी में पाई जाती है, तो मेनली ये लद्दाख में पाई जाती है, आप देखिएगा 90% के आसपास ये लद्दाख में पाई जाती है पश्मीना। ये अपने सॉल पश्मीना सॉल के कारण बहुत फेमस है, ये बेहतरीन क्वालिटी का वूल यानी ऊन प्रोवाइड करती है हम लोगों को, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इससे ऊन निकालना है आपको तो इसको मारना पड़ता है, तभी इसीलिए ये चर्चा में है। तो अगर इस तरह से हम लोग मारते रहे तो पश्मीना बचेगा ही नहीं। इसका दूसरा नाम चेंगथांगी भी है, आप याद रखिएगा चेंगथांगी, तो पश्मीना और चेंगथांगी एक ही है, ये लद्दाख में पाई जाती है और गोट की वैरायटी है, आप याद रखिएगा। अब आ गए हम लोग गोट पे, तो अभी मैंने कैटल के और बुफैलो के और भेड़ के तीनों के मिल्क में वाटर और फैट की बात की थी, जिसमें आपका फैट हाईएस्ट परसेंटेज किसमें था, सीप में। अब बात करें अगर वाटर हाईएस्ट परसेंटेज किसमें है, तो आपके गोट के, जो गोट का मिल्क होता है उसमें वाटर परसेंट हाईएस्ट रहता है 87.7%, आप याद रखिएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर कभी आप बताते हो कि वाटर इतना परसेंट है, फैट इतना परसेंट है, अगर उनको ऐड करते तो 100% क्यों नहीं होता, क्योंकि कुछ हिस्सा आपका प्रोटीन का भी रहता है, उसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ वाटर और फैट ही ऐड कर रहा हूँ। तो हाईएस्ट वाटर कंटेंट किसके मिल्क में रहता है, गोट के मिल्क में रहता है। हाईएस्ट फैट कंटेंट किसके मिल्क में रहता है, तो सीप के मिल्क में रहता है, आप याद रखिएगा। पश्मीना की मैंने बात कर ली, इसको मतलब इससे ऊन निकालना है अगर आपको, तो इसको मारना पड़ता है और ये लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया मेनली लद्दाख में क्षेत्र पाया। इसका दूसरा नाम क्या है, चेंगथांगी, ये इंडिया की इंडिजिनस गोट वैरायटी है, आप ये याद रखिए, गोट की वैरायटी है, भेड़ की वैरायटी नहीं है। इसके अलावा कुछ और वैरायटीज़ की बात कर लेते हैं। एक गोट की वैरायटी है गड्डी, जिसको व्हाइट हिमालयन गोट भी कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में पाई जाती है। एक आपकी गोट की वैरायटी है चेगू, चेगू वो आपकी कश्मीर में पाई जाती है। एक है आपकी जमुना पारी, वो जमुना जैसा आपका नाम है, यूपी में पाई जाती है जमुना पारी, ये भी आपकी गोट की वैरायटी है। ये मैं बता दूं आपको, नोट कर लीजिएगा, इंडिया की बिगेस्ट गोट ब्रीड है, इंडिया की बिगेस्ट गोट ब्रीड है आपकी जमुना पारी, और ये अपने लंबे कान से पहचानी जाती है, इसके कान बहुत लंबे होते हैं इसलिए पहचान ली जाती है, तो लॉन्ग ईयर्स के कारण ये पहचान ली जाती है। इंडिया की लार्जेस्ट ब्रीड है, यानी सबसे बड़ी, लार्जेस्ट बोल रहा हूँ, बिगेस्ट बोलना चाहिए मुझे, बिगेस्ट इंडियन ब्रीड है आपकी जमुना पारी गोट में अगर बात करें। उसके अलावा की सिरोही एक गोट की ब्रीड है, और ये फेमस अपने ड्यूल पर्पस के लिए, यानी इसका मीट भी खाया जाता है और ऊन भी निकाला जाता है, इसलिए फेमस है, ये राजस्थान में पाई जाती है। एक आपकी बीटल करके आती है, वो सियालकोट पाकिस्तान में पाई जाती है,
और एक आपकी बारबरी करके गोट वैरायटी है, वो इसलिए फेमस है कि वो वर्ष में दो बार बच्चों को जन्म देती है, यानी वो किडिंग प्रोसेस का वर्ष में दो बार होता है, और वो आपकी बारबरी यूपी में पाई जाती है, आप याद रखिएगा। तो बारबरी वर्ष में दो बार बच्चों को जन्म देती है, यानी मिल्क प्रोडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी, इसीलिए फेमस है। मालाबारी गोट, तो मालाबार केरल में है इसलिए वो केरल फेमस है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट गोट की वैरायटी है, उसको कहते हैं ब्लैक बंगाली। ये अपने मीट के लिए बहुत फेमस है। तो कुछ गोट मैंने आपको बोल दी, जैसे बारबरी वर्ष में दो बार बच्चे देती है, जमुनापारी इंडिया की बिगेस्ट गोट ब्रीड है, उसी तरह ब्लैक बंगाली, ये अपने मीट के लिए यानी बेस्ट फॉर मीट, इसका मीट सबसे बेस्ट होता है। और इसके मीट को क्या कहते हैं, शेवन, CHAVEVAN। जैसे मैंने चिकन आपको बता दिया, पोल्ट्री का चिकन होता है, बीफ आपका वहाँ उनका होता है कैटल्स का, वैसे शेवन आपका CHEVAN, शेवन मीट आपके गोट को कहते हैं, आप देखिएगा। मैं आपको या दूसरा इसका नाम है कैबरिट्रो, CABRITO, कैबरिट्रो, ये गोट के मीट का दूसरा नाम है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद होगा एक सुरती, जैसे हमने भैंस में पढ़ा था, यानी बुफाइलोस की ब्रीड में पढ़ा था, वैसे एक गोट की भी ब्रीड है सुरती, ये सूरत बड़ौदा रीजन गुजरात में पाई जाती है। तो आप इतना याद रखिएगा, जो ब्लैक बंगाली है वो अपने मीट के लिए बहुत फेमस गोट की वैरायटी है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश रीजन में पाई जाती है, आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ एग्जॉटिक गोट वैरायटी की। अल्पाइन बहुत फेमस एग्जॉटिक गोट वैरायटी है, फ्रांस में पाई जाती है। एक क्रॉस ब्रीड गोट वैरायटी है, उसका नाम है एंग्लो नूबियन। वो किससे बनी है, देखिए एंग्लो नूबियन का पहले मैं बता दूं आपको, उसको जर्सी काऊ भी कहते हैं, एंग्लो नूबियन को आप याद रखिएगा, एंग्लो नूबियन को जर्सी काऊ कहते हैं। और वो बनी किससे, जमुनापारी इंडिया की बिगेस्ट ब्रीड से बनी है, और जो नूबियन ये इजिप्ट की एक गोट ब्रीड है, उसको मिला के बनाई गई है आपकी एंग्लो नूबियन। तो ये गोट की क्रॉस ब्रीड है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपकी एक सानेन, सानेन स्विट्जरलैंड की है, और मैं बता दूं ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्रीड है, यानी मैंने अब वर्ल्ड की बिगेस्ट ब्रीड है, लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट यूज़ करना ठीक नहीं रहता। जैसे जमुनापारी इंडिया की बिगेस्ट ब्रीड है, वैसे ही आपकी जो सानिन है ये वर्ल्ड की बिगेस्ट ब्रीड है, आप याद रखिएगा। और इसको मिल्क ओशियन ऑफ द गोट कहते हैं, यानी गोट में जितनी भी गोट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिल्क कौन प्रोवाइड करता है, सानिन, स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, आप याद रखिएगा। तो हमने सानिन देख ली एग्जॉटिक में, अल्पाइन देख ली, एंग्लो नूबियन देख ली, एक और है, एक दो और हैं उनका मैं बता दूँ, अंगोरा, अंगोरा जो है इसलिए फेमस है, इसको मोहर भी कहते हैं, MOHAIR, अंगोरा, ये तुर्की जो है, तुर्की टर्की जिसको कहते हैं, वहाँ पाई जाती है अंगोरा। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये वर्ष में दो बार ऊन वुलन प्रोवाइड करती है। मैंने अभी बारबरी के विषय में बताया, जो इंडिजिनस ब्रीड है वो वर्ष में दो बार बच्चे प्रोवाइड करती है, और जो अंगोरा यानी मोहर है वो वर्ष में दो बार वुलन प्रोवाइड करती है, और इसको ग्लोबल पश्मीना कहते हैं क्योंकि इसका जो वुलन क्वालिटी होता है वो पश्मीना जैसा होता है, इसलिए अंगोरा आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और हमारी ब्रीड बचती है गोट की, उसको कहते हैं टोगेनबर्ग, वो स्विट्जरलैंड से पाई जाती है, आप इतना याद रखिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल लेक्चर हो रहा है, लेकिन अगर एक दो बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आसानी से जो आपके एनिमल हस्बेंड्री से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको क्रैक किया जा सकता है, आप याद रखिएगा। किस एग्जॉटिक वैरायटी ऑफ गोट को जर्सी काऊ के नाम से जाना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो एंग्लो नूबियन यानी क्रॉस ब्रीड है गोट की, जिसको जमुनापारी और नूबियन जो इजिप्ट में पाई थी उसको मिला के बनाया गया है एंग्लो नूबियन, उसको आपके जर्सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। हमने सारी एग्जॉटिक वैरायटी ऑफ गोट डिस्कस कर ली है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा पिग ब्रीड डेनमार्क में फेमस है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पिग ब्रीड डेनमार्क में फेमस है। तो ये लैंड रेस जो है डेनमार्क में पाया जाने वाला फेमस पिग ब्रीड है, आप याद रखिएगा। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। और अभी मैंने सभी का बता दिया, आपको चिकन बता दिया, पोल्ट्री का, इसी तरह बीफ आपका उसका है, शेवन आपका गोट का है, मीट। अब बात करते हैं पिग के मीट को क्या कहते हैं, तो पोर्क कहते हैं, PORK, पिग के मीट को कहते हैं पोर्क, आप इतना याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इन वैराइटीज़ की, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर या मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर, ये दोनों पिग की वैरायटी हैं, इंग्लैंड और इंडिया दोनों में पाई जाती है, यहाँ पर देखिएगा, इंग्लैंड और इंडिया। लैंडरेस ये पिग की जो है वैरायटी है, और ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी डेनमार्क। देखिए इंडिया की कोई भी फेमस पिग वैरायटी नहीं है, ये मोस्टली एग्जॉटिक पिग ही वैरायटी है सारी की सारी। इसके अलावा आपका वेसेक सैडल बैग, ये जो है पिग की फेमस वैरायटी है, हैम्पशायर इंग्लैंड की, आप याद रखिएगा। एक दो पिक की और वैरायटी है फेमस, जैसे ड्यूरॉक हुई आपकी, ड्यूरॉक ये पिक की फेमस वैरायटी है, और ये USA में पाई जाती है, अमेरिका में। इसके अलावा एक आपकी बर्साइल या बर्कशायर, ये इंग्लैंड में पाई जाने वाली पिक की फेमस वैरायटी है। इसके अलावा पिक की एक और फेमस वैरायटी बनती है स्पॉटेड ब्रीड, ये इंग्लैंड में पाई जाने वाली पिक की फेमस वैरायटी है। तो पिक की सारी फेमस वैरायटी मैंने आपको बता दिया, स्पॉटेड ब्रीड और विसेक सैडल बैग, ये हैम्पशायर में पाई जाती है, स्पॉटेड ब्रीड आपकी इंग्लैंड में पाई जाती है, और आपकी बर्साइल या बर्कशायर जिसको कहते हैं वो इंग्लैंड में पाई जाने वाली पिक की वैरायटी है। लैंड रेस अभी मैंने आपको बताया डेनमार्क में पाई जाने वाली पिक की वैरायटी है। ड्यूरॉक अमेरिका यानी USA में पाई जाने वाली पिक की वैरायटी है। और यॉर्कशायर चाहे आपकी लार्ज यॉर्कशायर हो, लार्ज या वाइट यॉर्कशायर हो, या मिडिल वाइट यॉर्कशायर हो, ये दोनों आपकी इंग्लैंड और इंडिया दोनों में पाई जाती हैं, हालांकि ओरिजिन इनका इंग्लैंड से, आप इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा कैटल पोर्शन खत्म होता है, यानी एनिमल एनिमल खत्म होता है। अब उनमें बीमारियों की बात करते हैं,
इससे पहले मैं आपको बता दूं बीमारियों से जाने पहले कि देखिए जो कैनिमल की लाइफ स्टॉक की हाउसिंग होती है यानी घर में कैसे उनको रखा जाता है, तो दो तरीके से होती है। एक आपका होता है कन्वेंशनल मेथड होता है यानी कि उनके लिए पर्टिकुलर हर बंदे को अलग अलग बांध दिया जाता है रस्सी से, ठीक है। और एक होता है आपकी लूज हाउसिंग जो आजकल बहुत प्रचलित है, अब ये कन्वेंशनल मेथड हट गया है, जो आपकी डेयरी फार्म में होता है ऐसे ओपन कर देते हैं, ऐसे ही ओपन छोड़ देते हैं उनको और वो अपना टहला करते हैं, उसको कहते हैं लूज हाउसिंग। इस समय बहुत फेमस वही है क्योंकि जो आपकी कन्वेंशनल मेथड था उसमें पशुओं को यानी एनिमल्स को दर्द होता था, इसलिए उसको आप प्रीफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी फेमस बैक्टीरियल डिजीज़ है एनिमल्स में। तो आप यहाँ देख लीजिए एनिमल्स के लिए फेमस बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है, सॉरी क्वेश्चन है नॉट, देखिए मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फेमस बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है एनिमल्स की। तो आप एंथ्रेक्स या गोरी जिसको कहते हैं, जिसको मैंने करंट अफेयर्स जो नाबार्ड सीरीज़ है उसमें मैंने आपको बताया है, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। ब्रुसेलोसिस ये भी हमने नाबार्ड के करंट अफेयर्स में कवर किया, ये भी आपकी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, मैंने आपको बताया है। तीसरी आपकी ब्लैक लेग या ब्लैक क्वार्टर, ये देखिए स्टैटिक मॉडल में कवर हो रही है, ये भी आपकी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। रिंडरपेस्ट ये आपकी वायरल डिजीज़ है, आप याद रखिएगा। तो ये तीन आपकी ऊपर की बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, आप इतना याद रखिएगा। जो आपका एंथ्रेक्स है मैंने आपको बताया है कि रिसेंटली असम का जो पवित्रा नेशनल पार्क है वहाँ पर दो वाटर बफेलोज के एंथ्रेक्स डिजीज़ हो गई है, आप याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको जो एंथ्रेक्स का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसका नाम होता है एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीनेशन, इससे इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। जो आपका ब्रुसेलोसिस होता है इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने ब्रुसेलोसिस एंड फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है मथुरा में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, आप याद रखिएगा। जहाँ आपके FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज़ में 100% मिल्क लॉस हो जाता है, वहीं जो ब्रुसेलोसिस होता है उसमें सिर्फ 30-40% ही मिल्क लॉस होता है, हालांकि इनफर्टिलिटी होती है यानी ये बच्चे को हो सकता है जन्म न दे पाए। जो ब्रुसेलोसिस होता है वो जीनस ब्रुसेल, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है उससे होता है, जीनस ब्रुसेल नामक बैक्टीरिया के ग्रुप से होता है आपका ब्रुसेलोसिस। ब्लैक क्वार्टर या इसको ब्लैक लेग कहते हैं, ये जो है आपका क्लॉस्ट्रिडियम और एक अजीब सा आगे स्पेलिंग है इसकी CHAUOUVEI, ये आपका क्लॉस्ट्रिडियम के आगे की स्पेलिंग है, आप देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। मैं शायद ही इस समय उसको नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वीडियो चल रही है, तो मैंने आपको स्पेलिंग बता दी CHAVOUVEI, ये आपकी क्लॉस्ट्रिडियम और सावाई जो भी है आपका उससे ब्लैक क्वार्टर होता है और ये एक बैक्टीरिया है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको एवियन बॉटुलिज्म पढ़ाया था करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, वो इसमें बहुत फेमस है, वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, आप याद रखिएगा। देखिए करंट में जो चर्चा में चल रहे हैं वो आपकी ज़्यादा फेमस है, वही पूछने के ज़्यादा चांसेज हैं। स्टैटिक तो हमें कवर करना ही है, लेकिन करंट में जो जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़ आपका चल रहा है, ब्रुसेलोसिस चल रहा है, एवियन बॉटुलिज्म चल रहा है, ये आपके बहुत फेमस हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, आपको बताना है ट्रिपेनो ऑस्मियोसिस ये फेमस एनिमल डिजीज़ है और ये किससे फैलती है, आपको ये बताना है। तो जी ये प्रोटोजोआ से फैलने वाली डिजीज़ है, आप देखिएगा प्रोटोजोआ से फैलती है, वायरस बैक्टीरिया फंजाई से नहीं फैलती। मैंने बैक्टीरियल डिजीज़ बात कर ली, अब थोड़ा वायरसेस डिजीज़ की बात कर ले पहले, उसके बाद प्रोटोजोआ पे आएंगे। देखिए आपका एक मारेक्स डिजीज़ है और एक ल्यूकोसिस डिजीज़ है, दोनों वायरस से फैलती है, मारेक्स और ल्यूकोसिस ये वायरस से फैलने वाली डिजीज़ है। FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसको मुँह खुर कहते हैं हिंदी में, वो भी आपकी वायरस से फैलने वाली डिजीज़ है, आप याद रखिएगा। जो आपका एक और बस्ती है रिंडरपेस्ट, जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, वो भी आपकी वायरस से फैलने वाली डिजीज़ है, आप इतना याद रखेंगे। तो तीन आपकी मेन वायरस डिजीज़ हैं, इसीलिए मैंने उनका क्वेश्चन ले लिया, वो ऐसे ही बता सकती थी। अब आपकी बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी ट्रिपैनोसोमियासिस, ये आपकी जो है प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है। इसके अलावा एक आपकी है कॉकिडियोसिस, कॉकिडियोसिस COCCIDIOSIS कॉकिडियोसिस, ये आपकी पैरासाइटिक डिजीज़ है, आप याद रखिएगा प्रोटोजोआ से ही होती है। और उसकी आपकी एक और है GARDIASIS, ये आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है, जीआरडिया नामक प्रोटोजोआ से ये डिजीज़ होती है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है डर्मेटोफाइटोसिस, ये एक कॉमन डिजीज़ है एनिमल्स में पाई जाती है, आपको पता है किससे होती है, ये फंगस से होने वाली फेमस डिजीज़ है, जिसको जैसे हमारे मेंस में मतलब ह्यूमन बीइंग में रिंग वर्म हो जाता है, वैसे ही एनिमल्स में डर्मेटोफाइसिस हो, ये आपका डर्मेटोफाइटोसिस हो जाता है, रिंग वर्म में ही इनको कहते हैं, दूसरी भाषा में आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो फंगस से होने वाली एक दो और डिजीज़ हैं आप याद रखिएगा, मोनिलियासिस आपकी फंगल डिजीज़ है, एथलीट फूट ये भी आपकी फंगल डिजीज़ है। जो आपकी मोनिलियासिस होती है ये मेनली पोल्ट्री में पाई जाती है, यानी मुर्गी पालन में होने वाली फेमस डिजीज़ है मोनिलियासिस, आप याद रखिएगा, कैंडिया नामक फंगस से होती है। देखिए जैसे सपोज करिए आपको मोनिलियासिस स्पेलिंग नहीं आ रही, तो आप सिर्फ ऐसे लिख लिए मोनिलियासिस, मैं बता दूं आपको इसको ऐसे ही याद रख लीजिए हिंदी में लिख के,
हिंग्लिश इसको कहते हैं ना, हिंग्लिश उस भाषा में इसको लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आप आसानी इसको कवरअप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और एग्जाम में जैसे ही आप इंग्लिश में लिखा हुआ देखेंगे वो तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा कि मोनोलियासिस यही है। तो आप याद रखिएगा, अगर आप स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे तो भी आप हिंदी में लिख सकते हैं उसको, मैं ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आप जाने, सारे हमने बैक्टीरिया वायरसेस सारे डिस्कस कर लिए। मैं आपको बता दूँ, जो मैस्टेटिस MATITIS मैस्टेटिस डिजीज़ है, जो आपके बैक्टीरियल डिजीज़ है, उसमें क्या होता है आपका मिल्क का पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, आपने याद रखिएगा। तो मैस्टेटिस डिजीज़ में आपके मिल्क का पीएच वैल्यू बढ़ जाता है। काउ के मिल्क का पीएच मान कितना रहता है, 6.7 टू 6.8। बुफेलो के मिल्क का पीएच मान 6.4 टू 6.6 रहता है, आप इतना याद रखिएगा। जो न्यूट्रल पीएच मान होता है वो 7 पे होता है, और जो 7 से नीचे होते हैं वो एसिडिक होते हैं सारे मिनरल्स, और जो 7 से ऊपर होते हैं वो सारे बेसिक यानी एल्कलाइनिक होते हैं, आप इतना याद रखिएगा। तो काऊ का मैंने पीएच वैल्यू आपको बता दी, और बुफेलो के मिल्क की पीएच वैल्यू मैंने आपको बता दी, आप याद रखिएगा। और एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है मैस्टिटिस, जिसकी वजह से मिल्क का पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, आप याद रखिएगा। एक रिसेंटली एक डिजीज़ और चर्चा में थी, स्टिफ लैम डिजीज़, ये बहुत चर्चा में है। मैं आपको बता दूं, स्टिफ लैम डिजीज़ या वाइड मसल डिजीज़ WMD, ये सभी लार्ज एनिमल्स में होती है, इसमें स्किन लटक जाती है, ये विटामिन ई या सेलेनियम की कमी से होती है, आप इतना याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, किस आपको बताना है कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने डिग्री टेम्परेचर पर चेक की जाती है। तो 4 डिग्री टेम्परेचर पर आपकी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट की जाती है, कितनी होती है, 1 होती है आपके वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सभी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए वाटर यानी जल के अपेक्ष ही चेक करते हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर बात करें मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो 1.028 से लेके 1.032 तक होती है मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका अगर एवरेज निकालें तो 1.030 निकल आएगा मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपने याद रखिएगा। जो मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेक की जाती है, और उसमें मोस्टली मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी प्रोटीन और फैट पर डिपेंडेंट रहती है। जो जितना प्रोटीन और फैट कंटेंट होगा उसी हिसाब से मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चलेगी। और ये चेक किससे की जाती है, तो लैक्टोमीटर से ही मिल्क की टेस्टिंग होती है, याद रखिएगा मोस्टली। और लैक्टोमीटर क्या चेक करता है, SNF, मैं बता देता हूँ आपको, SNF लैक्टोमीटर SNF चेक करता है, सॉलिड नॉट फैट। तो इसी के द्वारा आपके मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक हो जाती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण मिल्क जो है आपका येलोइश हो जाता है, आपको बताना है। तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण मिल्क आपका येलोइश हो जाता है, आप इतना याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको बताया जो आपका मैस्टेटिस डिजीज़ होती है उसमें पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, आप इतना याद रखिएगा। मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया, यानी क्षारी हो जाता है मिल्क, एल्कलिक हो जाता है। और मैंने उसी समय आपको बताया काऊ के मिल्क की पीएच वैल्यू कितनी रहती है, 6.7 टू 6.8, और बुफेलो के मिल्क की पीएच वैल्यू कितनी रहती है, 6.4 टू 6.6, आप इतना नोट कर लीजिएगा। और जो आपका मिल्क होता है उनमें कैरोटीन की वजह से उसका कलर येलोइश हो जाता है, और कैसीन की वजह से मिल्क का कलर व्हाइट रहता है, आप इतना याद रखिएगा। जो आपका जेंथोफाइल है, इसकी वजह से आपने एक देखा होगा, एक में बीच में यॉक होता है, उसका कलर येलो होता है, वो जेंथोफाइल की वजह से होता है। और जितने भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, फल या सब्जियां, उनका कलर रेड किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से उनका कलर रेड होता है, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क को 148 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है 2 से लेकर 5 सेकंड तक, यानी 2 to 5 सेकंड तक गर्म किया जाता है आपके मिल्क को 148 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो पॉस्चराइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। UHT टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, देखिए कई कई जगह पे अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट भी लिखा रहता है, लेकिन करेक्ट अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ही है। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, मैंने भी वही किया है। तो आपके जब एग्ज़ाम आए तो आप वहाँ देख लीजिएगा, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ही डिनोट करेगा इसको, जो आपका UHT है। UHT टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है पॉस्चराइजेशन में, इसमें मिल्क को 148 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं 2 to 5 सेकंड के लिए, आप इन्हें याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो पॉस्चराइजेशन होता है उसमें क्या होता है, जब आप ऐसे एकदम से गर्म करेंगे सारे बैक्टीरिया उसके मर जाएंगे, जिससे क्या होगा मिल्क को लंबे समय तक आप सिक्योर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा ये आपके कुछ टर्म है, आप याद रखिएगा, होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर जैसे यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे अधिक है, ये इतना सारा आपका मिश्रण है, यहाँ पे ये चीज़ इतनी है और यहाँ पे इतनी है, होमोजेनाइजेशन का पर्पज़ होता है इन सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो मिल्क में जो आपका फैट कंटेंट होता है कहीं पे अधिक होता है कहीं पे कम होता है, इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं मिल्क में से आप मलाई को बाहर निकाल के पिया करिए। तो होमोजेनाइजेशन प्रोसेस का पर्पज़ ये होता है, जो मिल्क का फैट कंटेंट होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं आपके मिल्क में उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उससे क्या होता है डाइजेशन में आसानी रहती है आपके मिल्क को, तो आप इतना याद रखिएगा। और क्लैरिफिकेशन क्या होता है,
क्लैरिफिकेशन में आपका जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या भारी कण होते हैं उनका प्योरिफिकेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ करते हैं, और जो आपका दूध होता है या मिल्क होता है उसको काफ़ी तेज़ से ऐसे ऐसे राउंड राउंड करते हैं जिससे आपका क्लैरिफिकेशन होता है डस्ट या अन्य पार्टिकल्स का। तो आप याद रखिएगा सारे प्रोसेस और सारे मेन इवेंट हमने कवर कर लिए हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम करेक्ट करवा सकें आगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।